कि ये जो हमने जाना है दुबई अरूप को पिक करने, तो मैं सोच रहा हूँ माँ बाबा को भी साथ लेके चले यार। मस्त प्लान है। अपने स्कूल को मैनेज कर सकती हूँ? नहीं, मैं इजीली कर लूंगा। मैं अपना बस सुबह उठना है, खुद ही उठ जाऊंगा। अम्मा आप हाँ करने वाली बने बस, बाबा हाँ करने वाले बने बस। मैंने एनओसी लेना होता है यूनिवर्सिटी। बाबा आप यूनिवर्सिटी को छोड़ दे मेरे पे। मैंने यूनिवर्सिटी में एक रिक्वेस्ट करनी है। यूनिवर्सिटी वाले ने कहना जैसा डक्की भाई कह रहे हैं वैसा कर लेते हैं। अच्छा अम्मा मैं तो कहता हूँ ये वाला कर लेते हैं, ये हाइट में बड़ा भी है इससे। मैंने देखा सर कुछ हाइट में बड़े हैं लेकिन वेट इतनी नहीं है। हेलो जी, वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। और भाई कल वाली वीडियो के अंदर तुम लोगों को पता है कि हम लोगों ने जो है जिक्र किया था कि ये जो हमने जाना है दुबई अरूप को पिक करने, तो मैं सोच रहा हूँ माँ बाबा को भी साथ लेके चले यार। आज जो है ना उनको हमें मनाना पड़ेगा। वैसे तुम लोगों को मैं अगर बता दूं तो कल मैंने थोड़ी सी बात की थी और उनका मूड लग रहा है। मैं नहीं मानता। लेकिन अभी बस हमने फाइनल करना है, तो बस अगर बाबा मान जाते हैं तो फिर हम लोग निकल जाएंगे। हम सारी कल निकल जाएंगे। भाई तुम लोगों को पता है कि मैंने इस वीडियो में बोला कि अगर 2 लाख लाइक्स हो गए तो फिर हम लोग माँ बाबा को लेके जाएंगे दुबई। और भाई तुम लोगों ने तो बड़ी जल्दी 2 लाख कर दिया इस पे भाई। देखते क्या होते हैं भाई। एनीवेज वेलकम बैक हो गए तुम कहना था व्लॉग के अंदर। अगर अभी तक तुम लोगों ने डक्की भाई व्लॉग एंजॉय नहीं किया हो तो कर लो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। और भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना है लाजमी। ये जो मैं कहता हूँ ना, ये एवी शोर मेले के लिए नहीं कहता कि एवी टाइम जाया करने के लिए कि तुम लोगों को लग रहा है कि मैं कोई चवले मार रहा हूँ। ऐसा नहीं, अभी सीरियस होकर मैं कह रहा हूँ। मैं तुम लोगों को बड़े ताल्लुकात है मेरे, तुम लोगों को पेपरों में फेल करा देना अगर तुम लोगों ने सब्सक्राइब करके बेल आइकन ना दबाया। सब्सक्राइब किए बगैर वीडियो देखने वालों को सारों की लोकेशन का मुझे पता है भाई। निकल तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी दबाना है। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। अभी चलते हैं नीचे और सूरत हाल देखते हैं भाई। बाबा आ गए यूनिवर्सिटी से काम शाम से, ठीक है। और मैंने सारों को इकट्ठा कर लिया है कि डिस्कशन करने के लिए कि क्या प्लान है। आपको डिस्कशन में किसी ने इनवाइट भी नहीं किया ना, आपके बारे में यहाँ पे कोई बात हो रही है। आप एम ही मुँह चुके आ गए हो भाई। राय दे दूंगा अपनी राय। मैं आपने प्लान शेयर कर दिया हाँ बाबा से, जो मैंने आपको कल बताया था। मैंने आपको पहले कहा था, मैंने बाबा से नहीं डिस्कस किया, मैंने आपको पहले कहा था। बेटे मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल है बाबा। मैं सोच रहा हूँ कि अब हम दुबई जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ। मैंने तो कब से मैं आप लोगों को लगा हुआ हूँ कि यार कट्टे कोई फैमिली ट्रिप मारते हैं, फिर मौका नहीं मिलना, आगे रोजे आ जाने हैं। उस दौरान ट्रैवलिंग का कोई फायदा नहीं है। उससे अगले महीने मैंने बिजी हो जाना है, फिर उससे अगले महीने मैंने बुजुर्ग हो जाना है, फिर वो जो है ना वो गोटे खड़क जाएंगे मेरे, फिर मैं क्या ट्रैवल करूंगा सारों के साथ मिलकर। आगे ले जाऊंगी ना अभी नानों को संभालना, मुनीब के एग्जाम। मुनीब को छोड़े अम्मा, मुनीब को कहें साइकिल पे स्कूल जाया करें, पैदल स्कूल जाया करें। मैं सारा इसका रास्ता देख के आया हूं, इतना भी दूर नहीं है। साइकिल पे तो चला जाएगा। हाँ अनाड़ी। और मुझे आप 15 दिन पहले बताओगे ना फिर पॉसिबल है। मैंने एनओसी लेना होता है यूनिवर्सिटी। बाबा आप यूनिवर्सिटी को छोड़ दे मेरे पे। मैंने यूनिवर्सिटी में एक रिक्वेस्ट करनी है। यूनिवर्सिटी वाले ने कहना जैसा डक्की भाई कह रहे हैं वैसा कर लेते हैं। अच्छा ऐसी भी कोई बात नहीं है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। नहीं बाबा की यूनिवर्सिटी वालों ने मुझे इन्वाइट भी किया भाई एक बार। क्या बात है, बताए ना अम्मा यार, बताए ना यार, मैं मजाक नहीं कर रहा, जेन्युइन हकीकत बात है। चले जाते हैं क्या होता है, चले जाओ कहो। वीजा कपल वीजा जो है ना, कपल वीजा कि आपका और बाबा का दोनों का लगाते हैं, वो 2 आवर्स में मिल जाएगा मुझे। कोई मैंने आप लोगों को फटे हुए जहाज में नहीं लेके जाना, ये पीआई उसमें नहीं मैंने आपको लेके जाना, प्रॉपर दुबई की एयरलाइन होगी। आप बेफिक्र हो जाएं। अम्मा आप हाँ करने वाली बने बस, बाबा हाँ करने वाले बने बस। कबूल है हाँ हाँ कर ले, शुगर हो जाएगा, मैं जनवन बता रहा हूँ। फिर वो अम्मा आपको पता है मैंने बाद में बिजी हो जाना है, फिर मैं अकेले जाता हूँ। आपको आपकी नियत का स्वाद तो मिल गया ना, आप नियत की बहुत शुक्रिया, जजाकअल्लाह, आपको नियत का स्वाद मिल गया। आप एग्जाम अपने स्कूल को मैनेज कर सकते हो? नहीं, मैं इजीली कर लूंगा। मैं अपना बस सुबह उठना है, खुद ही उठ जाऊंगा, बाइक वगैरह पे चला जाऊंगा। इतना करीब ही, इतना स्कूल का इशू नहीं है इतना। चुप कर बे कुत्ते, मुझे फिर अगली बार जाना है लाजमी, जो मर्जी हो जाए। नहीं अगली बार जाना, खुद ही पैसे कमाए जाए। निकल, मेरा वादा इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आपके बगैर कहीं नहीं जाने लगी। फिर भूल जाए इसको, वैसे किसी ने एंट्री नहीं देनी। उन्होंने कहना स्मगलर्स नॉट अलाउड। साथ के लिए बड़ा मुश्किल इतने शॉर्ट टाइम में मैरिज करना। और बाबा मैंने आपको भी कहा है आप हाँ करने वाले बने, आपने हाँ कर दी। अभी 2 घंटे के अंदर मैं आपको वीजे फ्लाइटें होटलें सारी करके हाथ में पकड़ा के टेंशन फ्री करके आपकी यूनिवर्सिटी से छुट्टी लेके आपकी टेंशन दूर करके मुनीब को पेपर में पास करवा के वो इसके टीचर को 500 रुपए 2000 रुपए पकड़ा देंगे, वैसे ही पास कर देगा। इसकी टेंशन छोड़ दें आप, बस नानो का अरेंज हो जाए। नानो के लिए दोनों मामू बुला लें, घर में होंगे सारे, सबको बुला ले घर। अम्मा आपने हाँ कर दिया ना, 2 घंटे में काम हो जाएगा। ये ऐसी चीज है जिसका हम ना तो कह नहीं सकते, लेकिन कैसे अरेंज करना है। अभी फ्लाइट पे की जो है ना मैं वेबसाइट खोलता हूँ, वहाँ से टिकट बुक करते हैं। और ऊपर से फ्लाइट पे का फायदा ये है कि वहाँ पे जो है ना बेस्ट फेयर हमें मिल जाएगा, कोई महंगा मुंगा भी नहीं होगा। हमें बेशक अगले दिन की फ्लाइट लेनी है, पूरे इंटरनेट पे जो बेस्ट फेयर है ना वो हमें फ्लाइट पे की वेबसाइट पे मिल जाएगा। और अभी 2 सेकंड में बुक करके मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये हम लोग चले गए हैं flightpay.co.uk पे। हाँ मैंने फ्लाइट पे पे 4 लोगों की टिकट सिलेक्ट कर ली है। आप हाँ कर देगी, अभी मैंने बुक कर देना है। कर दो कर दे, देखी जाएगी, कर दो देखी जाएगी। अब मैं कह रहा हूँ यार,
बुक हो गई भाई। अम्मा अब देयर इज नो गोइंग बैक, मैंने कोई रिफंड उफंड नहीं करानी, मैंने काम शाम कर दी है, अब फटाफट जाके पैकिंग करें, लेट्स गो। एक दिन की पैकिंग ना, एक दिन कोई बैग। अम्मा मैं चांद पे भी जाना हो ना तो मैं आधा घंटा पहले पैकिंग करता हूँ। पूछा मैंने कुछ ये बेटी तैयारी की तो बहुत रहती, मेरे पास तो बैग भी नहीं है, बैग भी लेने वाला है। अम्मा बैग अभी लेने चलते हैं, आ जाए। A few inches later. अभी जो है ना हम लोग दुकान पे जा रहे हैं, ठीक है, एक मामा के लिए जो है ना हमें टची केस लेना, क्योंकि हमारे घर में उतने टची केस नहीं थे कि हम तीनों का जो है ना सामान समूह जो है ना वो सेट हो सके। टची केस एक शॉप से मिल जाएगा, दो सेकंड लगा के बस फटाफट निकल जाएंगे। अम्मा मैं तो कहता हूँ निकलने से पहले जो है मुनीब को जो है बोर्डिंग स्कूल में जमा करवा देते हैं, जितना उसने जो है सत्यानाश कर देना है। सिर्फ घर का नहीं पूरे मोहल्ले का, पूरी गली इसने तबाह करके रख देनी। अम्मा गजब बेइज्जती है, बहुत जिम्मेदार, उसने मेरे से वादा किया बिल्कुल अच्छा बच्चा बन के दिखाएगा। पागल खाने जमा करवा दें, ठीक है, वहाँ पे सेट रहेगा 10 दिन के लिए, सेट रहेगा, जनवन बता रहा हूँ, ना कोई टेंशन। वरना आपको पता है आप ट्रिप के दौरान टेंशन लेती रहेंगी कि घर में तो सत्यानाश तो नहीं कर रही है। बात नहीं, मामा जो है मेरे नाम घर करके गई है, पूरा डिपेंडेंट रह के गई है मामा, मुझे संभालेगा, सबका ख्याल रखेगा। अल्लाह माफ करे अम्मा, फिर अल्लाह ही हाफिज आपके घर का। तो दुकान पे पहुंच गए, बस यहाँ से जो है ना बैग वगैरह लगेज वगैरह पकड़ लेते हैं बस। A few inches later. लगेज लेने पहुंच गए, मैं देख ले कौन से कलर का चाहिए। कलर डजंट मैटर, कलर मैटर, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। क्वालिटी नहीं 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 नहीं, कोई फैब्रिक में दिखाएं इस तरह का। हाँ ये प्राइस का थाईलैंड का ब्रांड है, थाईलैंड होईलैंड छोड़े, मुझे पता साड़ी इधर से बन के गए हैं। मतलब आपको मत सिखा, चल थाईलैंड से है, थाईलैंड वाले कहते हैं कि पाकिस्तान से है। नहीं, नहीं क्या करें, पाकिस्तान वाला भी है, दिखा दूं। दिखा दे, कोई मसला नहीं, आपको पाकिस्तानी भी आज दिखा देता। ये पाकिस्तान है, ये वापस भेज रहे हैं एज इट। कलर देखिए मेरे ख्याल से ये ग्रे वाला बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको लड़की लड़कियों में चाहिए तो फिर ये पर्पल वाला बहुत अच्छा है। ग्रे वाला ये ये निकालना, ये सामने वाला ये सेट है, थ्री पीस। अच्छा थ्री पीस सेट है, और ये वाला कितने में है? कोई ऐसा है जिसमें मिड साइज ना मिले, बस एक बड़े वाला मिल जाए और एक छोटे वाला मिल जाए। मैं तो कहता हूँ मैं ये वाला ले ले, पर्पल ठीक लग रहा है, थोड़ा ना पहचाने में भी आसान होगा, वो इतनी बड़ी बेल्टें जो है ना वो बैग वगैरह की चल रही होती है, वो आपको दूर से अपना बैग बैग नजर आ जाएगा। नहीं नहीं सेट नहीं है, सिर्फ ये अकेला ले सकते हैं, क्योंकि एक मेरे पास ब्लू भी पड़ा हुआ है, एक ब्लैक पड़ा हुआ है, तो ये दो आपस में सेम सेम हो जाएंगे ना, तो फिर वो फायदा नहीं है। ये थोड़ा डिफरेंट कलर है कि मतलब पहचाने में आसानी होगी। अम्मा मैं तो कहता हूँ ये वाला कर लेते हैं, ये हाइट में बड़ा भी है इससे, दो इंच का फर्क है, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा देखो, जीरो मैंने देखा है, कुछ हाइट में बड़े हैं लेकिन विड्थ इतनी नहीं है। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा, कलर भी अच्छा है, ये अच्छा, ये ना स्पेशियस है काफी। मुनीब आपको पूछा किसी ने? फिर तो अम्मा आपके सामान का अल्लाह ही हाफिज है, बात सही है। तो ये वाला लगेज जो है ना हम लोगों ने डन किया है, ठीक है, कलर भी बहुत अच्छा है, साइज भी ठीक है भाई, बस ये लगेज वगेज पकड़ते फिर निकलते हैं घर। तो बस बैग शैग जो है हमारे रख लिए हैं, ठीक है, थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू, थैंक यू भाई, बैग शैग मिल गया, अब चलते हैं सीधा घर। चला छोटे बैग निकाल यार, इधर आ, दस्ती आ, मास्क उतार, जल्दी बैग निकाल यार छोटे, जल्दी 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 जल्दी, मुनीब बहुत स्लो हो यार आप। A few inches later. तो मामा का भी बैग आ गया, बस ठीक है, अब जो है ना बस पैकिंग शैकिंग हम लोगों ने करनी है, फिर हम लोग निकल जाएंगे सुबह दुबई। फाइनली मेरा बड़ा दिल कर रहा है यार कि यार मामा बाबा भी जो है ना हमारे साथ जाएं, और फाइनली होने जा रहा है भाई। तो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के टकी ब्लॉगिंग को ज्वाइन कर लेना, मिलते हैं कल। ओ काफ़र।